ओप्पो की तरफ से ओप्पो के 11 5G 25 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन सामने आ चुका है लीक्स के माध्यम से। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रेट का डिस्प्ले होगा। 5000 mAh की बैटरी, 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा 50 MP का सोनी IMX890 सेंसर के साथ OIS सपोर्टेड, दूसरा 8 MP का, तीसरा 2 MP का कैमरा, फ्रंट में 16 MP का कैमरा, NFC देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल का वजन 184 ग्राम के आसपास होगा। एक्स एक्सिस सेफ्टी मोटर भी देखने को मिल जाएगा। IR ब्लास्टर डुअल स्पीकर मिल जाएगा। रेम टाइप LPDDR4, एक्स स्टोरेज टाइप है 3.1। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड कस्टम UI मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट दिया जाएगा। ये चिपसेट बहुत ही अच्छा है और ये 25 जुलाई को चीन में लॉन्च होने जा रहा है। कहा जा रहा है इंडिया में जो लॉन्च हुआ है नोट CE3 5G, उसी का ये रीब्रांडेड हो सकता है चीन में। लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।